सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी की न्यू वैकेंसी के बारे में, यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से 17,710 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए पूरे भारत से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें आपके एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, एसएसओ जैसी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं, जिसमें हेड क्लर्क की भी आपकी वैकेंसी शामिल रहेंगी, जिसमें आप 10th पास से लेके ग्रेजुएट पास तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, तो काफी बड़ी भर्ती यहाँ पे होने वाली है 17,710 पदों पर। तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाए, क्योंकि बाकी की चीजों की तरफ चलने से पहले जरूरी होता है कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं 13/10/2023 को ये मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर आप सभी को बताया गया था पोस्ट ऑफ द एमटीएस लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, कैशियर एंड द हेड क्लर्क, असिस्टेंट एंड द सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर जैसी वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं 47 पेजेस का यहाँ पे निकाला गया है ईएसआईसी की तरफ से, इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह हर एक चीज यहाँ पे बताई गई है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नोटिफिकेशन यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, जिसमें आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग की टोटल जो वैकेंसी 3,341 यहाँ पे वैकेंसीज है, वो भी आपको बता दी गई है। इसी तरीके से बाकी की जो भी पोस्ट रहने वाली है, उन सभी पोस्ट की यहाँ पे डिटेल दी गई है, जिसमें आप सभी चेक कर पाएंगे। जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की 1,923 वैकेंसी है, एज लिमिट वगैरह सारी चीजें बता दी गई है, सैलरी वगैरह। अब चलते हैं पॉइंट वाइज, आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, क्योंकि 47 पेजेस को यहाँ पे कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव चीज है वो मैंने अलग से निकाल ली है, ताकि मैं आप सभी को शॉर्ट में सारी चीजें समझा पाऊं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज आपकी जो वैकेंसीज है वो कितनी है। तो यहाँ पे अगर मैं पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करूं, तो देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके लिए केवल 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। 10th पास है या इससे ऊपर है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास इसकी रखी गई है, जिसमें 3,341 आपकी वैकेंसी रहेंगी। फिर आपकी एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसकी 1,923 वैकेंसी जस्ट अभी आप सभी को मैंने दिखाया था, जिसमें आपकी 12th पास प्लस टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। इसके अलावा अपर डिवीजन क्लर्क एंड द अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है 6,435। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप सभी को ग्रेजुएट आप होने चाहिए, यानी स्नातक आपने किसी भी स्ट्रीम में कर रखी है, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी आपने कुछ भी कर रखा है, बट आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। सेम एलडीसी वाला जो क्राइटेरिया होता है वो अपर डिवीजन क्लर्क एंड अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर पे अप्लाई होता है, यानी कि इंग्लिश की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए, ये होता है अपर डिवीजन क्लर्क का। इसके अलावा यहाँ पे हेड क्लर्क असिस्टेंट की वैकेंसी है 3,415, जिसमें आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए, साथ ही में नॉर्मली आपको कंप्यूटर चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी भी पोस्ट के लिए किसी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास आप होने चाहिए, सिंपल। इसके अलावा यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें, मैनेजर ग्रेड सेकंड की बात करें या सुपरिंटेंडेंट की बात करें, तो यहाँ पे 2,596 वैकेंसी हैं। टोटल मिला के आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी होती है 17,710, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। राज्य कर्मचारी बीमा निगम जो आपका होता है, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें आपकी वैकेंसी निकाली गई है, और जो कि आपकी टोटल 17,710 यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी। इसके अलावा देखिए एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, अगर आप यूडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए 18 से 25। साथ ही में अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
तो एलडीसी के लिए भी आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 18 से 25 रहेगा, यूडीसी में 2 साल ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यानी कि एसएसओ के लिए या फिर मैनेजर ग्रेड के लिए या फिर सुपरिंटेंडेंट के लिए, तो इसके लिए एज क्राइटेरिया होना चाहिए 18 से 30 साल। तो यहाँ पे जो मैंने एज क्राइटेरिया बताया है वो जनरल कैटेगरी में बताया है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 5 साल छूट मिलेगी। तो 3 साल और 5 साल अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 27 साल दे रखा है यूडीसी के लिए, तो इसमें ओबीसी के लिए 30 साल और एससी एसटी के लिए 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस एंड एलडीसी में यहाँ पे जो आपका ओबीसी रहेगा वो 28 साल, एससी एसटी 30 साल, इसी के अकॉर्डिंग वहां पे 33 साल और 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं इनके अलावा वैकेंसीज के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे बात आती है कि इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो आपको कोई फिजिकल वगैरह नहीं होता है, ना ही कोई हाइट मेजरमेंट वगैरह होता है, यानी कि लंबाई सीना वगैरह इसके लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, जिसमें आपका अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की अगर हम बात करें तो देखिए आपका यूडीसी हो गया या फिर आपका एलडीसी हो गया, ये जो आपकी दोनों पोस्ट रहेंगी इन दोनों पोस्ट के लिए क्या है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा और स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्या है, स्किल टेस्ट में आपका जो टाइपिंग होती है एलडीसी एंड यूडीसी के लिए दोनों के लिए आपको टाइपिंग को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और टाइपिंग की मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दी है, 30 और 35 की स्पीड आपकी होनी चाहिए, हिंदी में 30 और इंग्लिश में 35 की, एलडीसी और यूडीसी दोनों के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहां पे अगर आप एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम देना है और मेंस एग्जामिनेशन देना है, टाइपिंग का कोई इसमें लेना देना नहीं है। बाकी का आपका जो भी पोस्ट रहेंगी, जैसे कि आपका एसएसओ की पोस्ट रहेगी या आपकी असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी या इसके अलावा सुपरिंटेंडेंट वाली जो पोस्ट रहेगी, उसके लिए आप यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन ही देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और पोस्ट है यूडीसी कैशियर की, तो यूडीसी कैशियर के लिए भी आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी होंगी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट। तो 3 पोस्ट के लिए आपका 3 स्टेज वाला प्रोग्राम रहेगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड स्किल टेस्ट। इसमें आपका यूडीसी सिंपल, एलडीसी और कैशियर यूडीसी वाली पोस्ट रहेगी। बाकी की सभी पोस्ट के लिए प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन 2 एग्जामिनेशन होने, जिसमें आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, जिससे कि आपको सिलेबस समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फेज का जो आपका एग्जामिनेशन होगा, इसमें टोटल आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका रहेगा। और हर एक सेक्शन में आपके 25-25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100। और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 50-50 नंबर दिए जाएंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं टाइमिंग की, तो देखिए यहाँ पे आपका जो पेपर रहने वाला है वो 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। साथ ही मैं आप सभी को बता दें कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग आप मेन्स एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होंगे, कितने गुना कैंडिडेट होंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रहेगा, इसमें भी आपकी जनरल अवेयरनेस है, साथ ही में जो आपका मेंस एग्जामिनेशन रहेगा इसमें भी आपकी जनरल अवेयरनेस रहने वाली है, यानी सब्जेक्ट लगभग आपके सेम रहेंगे, जो कि अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखो अच्छी खासी वैकेंसी है, तो इसके लिए तैयारी करने के लिए मैं आपको जीके के लिए बेस्ट बुक बता रहा हूं, जो कि पूजा पब्लिकेशन की बुक आती है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अब तक इसकी 1 लाख से अधिक कॉपी बिक चुकी है, मोस्ट डिमांडेबल बुक है। आप सभी को बता देंगे जैसे स्टॉक में आती है आप समझो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है बहुत ही जल्दी। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक इसलिए है क्योंकि पूरे सभी सब्जेक्ट आप सभी को मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपके सामने हर एक जगह पे आपको ये बुक शायद देखने के लिए मिल सकती है। तो आप भी इस बुक को परचेस कर सकते हैं। इस बुक की सबसे खास बात ये है कि आप इस बुक का यूज लोअर क्लास से अपर क्लास तक के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं, जिसमें आप ग्रुप सी से लेकर ग्रुप ए तक के एग्जामिनेशन इससे दे सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। काफी ज्यादा हेल्प आपको करेगी, सभी सब्जेक्ट इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे जीके जीएस के, तो आपकी तैयारी काफी इंप्रूव इससे हो जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पूजा पब्लिकेशन की बुक आती है, साथ ही में इसके सब्जेक्ट में सिलेबस में आपका रीजनिंग भी शामिल है, तो रीजनिंग की बहुत ही छोटी सी बुक आती है जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा मटेरियल रहता है जो कि हमें पढ़ना नहीं होता, तो वो टॉपिक्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा श्रिंक कर दिए हैं, जिससे कि आपका कम टाइम लगे और वही चीज आपको पढ़नी पड़े जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पूजा पब्लिकेशन की बुक आती है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके परचेस कर सकते हैं और तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे आता है मेंस एग्जामिनेशन, जो बच्चे प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे फिर उनका यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन होता है।
अब देखिए यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको चारों सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके डबल हो जाएंगे, जहां पे पहले आपका प्री एग्जामिनेशन में 25-25 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अब यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में पूछे जाएंगे। और लास्ट आपको प्री में 2 नंबर मिल रहे थे और यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि आपका जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 200 यहाँ पे आपके मार्क्स मिलने वाले हैं 200 क्वेश्चन के लिए। अगर हम पेपर की टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका पेपर 1 घंटे की जगह आपका 2 घंटे का पेपर होगा, साथ ही में 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये भी आप सभी को याद रखना है। और आपकी जो फाइनल मेरिट होगी इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका आपका सिलेक्शन में निभाएगा यहाँ पे मेन्स एग्जामिनेशन, जो कि आपको काफी अच्छे से देना है। बुक मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिए कि यहाँ पे आप अपनी रीजनिंग और यहाँ पे जीके कहां से कवर कर सकते हैं, बुक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए बात आती है यहाँ पे सैलरी की, कि भाई सैलरी कितनी कितनी मिलेगी, ये भी मुख्य चीज है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो यूडीसी के लिए आप अप्लाई करते हो तो 25,500 से लेके 81,100 रुपए लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। एमटीएस के लिए लेवल 1 की सैलरी 18,000 से 56,900, एलडीसी के लिए 19,900 से लेके 63,200 लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। हेड क्लर्क असिस्टेंट के लिए लेवल 6 की सैलरी मिलेगी 35,400 से लेके 1,12,400। फिर इसके अलावा एसएसओ की, मैनेजर ग्रेड सेकेंड की एंड सुपरिटेंडेंट की जो आपकी रहेगी वो आपकी 44,900 से लेके 1,42,400 रुपए सैलरी आपकी रहेगी, यानी कि सैलरी काफी अच्छी आप सभी को मिलेगी। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप सभी की रहने वाली है, तो आप सभी के पास एक अच्छा मौका है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आप सभी को एक ही चीज कहूंगा कि अगर यहाँ पे आपको सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी आपको एडवांस में करनी पड़ेगी, तो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो देखो एप्लीकेशन फीस बात करें तो यहाँ पे SC ST PWD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो रहेंगे या फिर फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फीस रखी गई है 250 रुपए। अगर आप ऑल अदर कैंडिडेट जिसमें आपका जनरल, OBC एंड आपका EWS इन 3 कैटेगरी के लिए फीस आपको 500 रुपए पे करनी होगी। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया जिसमें मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में बता दी, और उम्मीद करता हूं कि इसके अलावा कोई भी चीज आपकी मिस नहीं हुई होगी। एज क्राइटेरिया आपकी लास्ट डेट से काउंट किया जाएगा, वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कब से लेके कब तक अप्लाई करना है, तो जैसे कि आप सभी को मैंने मेमोरेंडम ऑलरेडी दिखा दिया है, वो 13 अक्टूबर 2023 को आपका मेमोरेंडम जारी हुआ है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो उम्मीद ये है कि लगभग 20 नवंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन देख सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन मैंने इसकी पूरी अपडेट लेने के बाद ही 1 दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूं। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो लगभग उम्मीद यही है कि 20 नवंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो 30 दिन का समय आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे 20 नवंबर की जगह फिर आप समझ सकते हैं 20 दिसंबर 19 दिसंबर के आसपास इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं, जब आपका नोटिस जारी होगा तो उसी में ये क्लियर होगा कि एग्जाम वगैरह कब होगा, इसके बारे में अभी तक कोई भी चीज क्लियर नहीं है। बट अगर इतनी वैकेंसी आ रही है तो आपको तैयारी में तो जरूर से जुट जाना चाहिए। अभी आप किसी का कोर्स वगैरह बिल्कुल से मत परचेज करिएगा, अभी आपको जो तैयारी करनी है वो करनी है बुक से, और बुक ही आपका सच्चा साथी है, और बुक से जितना हो सके उतनी तैयारी करिए। बाकी का इससे आगे कोई भी अपडेट होगा इस भर्ती से संबंधित तो आप जो सभी को जरूर मिल जाएगा, जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में जारी होगा वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ताकि फ्यूचर में आपको हर एक रियल इंफॉर्मेशन मिल पाए। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।